हेलो गाइस गाइस जर्मनी से बहुत ही गुड न्यूज़ है दोस्तों। जो लड़के लोग जाना चाहते हैं एज ए फार्म वर्कर यानी फार्म में जॉब करने के लिए, लड़के जो जाना चाहते हैं जर्मनी के अंदर, और यहाँ पर दोस्तों उनका सपना था सेटल होने का और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का, दोस्तों यहाँ पर आपके पास काफ़ी अच्छा चांस है दोस्तों। काफ़ी सारी वैकेंसी निकली हुई है इस टाइम पर जर्मनी में। यहाँ दोस्तों अपन बात करो फ्रूट फार्म में, यहाँ दोस्तों फ्रूट फार्म में काफ़ी सारी वैकेंसी है। जो लड़के 10वीं पास है, 11वीं पास है, 12वीं पास है या फिर 7वीं क्लास पास है, उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसी अवेलेबल है। जहाँ दोस्तों डेयरी फार्म में बहुत सारे जॉब्स है, फ्रूट फार्म में यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स है। दोस्तों अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो बहुत ही कम पैसों में वर्क वीजा पे, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखते रहना गाइस। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, कौन कौन से जॉब से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना पर आपको सैलरी मिलने वाला, सब कुछ यहाँ पर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो गाइस आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाला हूँ जर्मनी के बारे में। दोस्तों जर्मनी में इस टाइम पर बहुत सारे वैकेंसी है, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। तो वैसे तो आपने सुना होगा जर्मनी में स्किल्ड वर्कर के लिए जॉब की बिल्कुल भी कमी नहीं होती। वहां पर अगर आप इंडिया से बिलोंग करते और आपके पास में कोई भी डिग्री है तो दोस्तों वहां पर जॉब की कोई भी कमी नहीं है। बहुत सारे वहां पर जॉब्स है, जॉब सीकर वीजा लेकर आप जर्मनी जा सकते हो। ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज उसका कॉस्ट आता है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूं अनस्किल्ड कैटेगरी कौन कौन से जॉब्स है जहां पर आप जा सकते हो और वहां पर काम कर सकते हो। दोस्तों काफी लोग ऐसे होते हैं उनका ड्रीम होता है जर्मनी में जाके काम करने का, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है दोस्तों उनके पास में एजुकेशन तो कम होती है, दूसरी बात ये उनका बजट भी मतलब काफी कम होता है। तो ऐसा मतलब वो लोग सिर्फ सोचते रहते और जर्मनी नहीं जा पाते। और दोस्तों एक बात ये इंग्लिश काफी सारे लोगों का ऐसा मतलब काफी वीक होता, तो वो लोग इस तरह से मतलब डर जाते हैं, जाना नहीं चाहते जर्मनी में। तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर दोस्तों ऐसे बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। अगर आपका इंग्लिश वीक है, एजुकेशन कम है, तो भी यहाँ पर आपके लिए जॉब्स है। जहाँ दोस्तों मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ फार्म से रिलेटेड, यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। अगर आपका एजुकेशन 7, 8, 9 क्लास है या फिर 10वीं 12वीं तक आपने पढ़ाई की है इंडिया में और आप जर्मनी जाना चाहते हो, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास में। एज अ फार्म वर्कर आप जा सकते हो जर्मनी में। यहाँ दोस्तों यहाँ पर डेयरी फार्म आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों जो फ्रूट फार्म है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। वेजिटेबल फार्म से ये भी काफी ज्यादा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर सैलरी की बात करें, सैलरी आपको यहाँ पर 3000 यूरो से लेकर 4000 यूरो पर मंथ आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको टैक्स भी पे करना पड़ता है। दोस्तों ऑलमोस्ट यहाँ पर इंडियन रुपीज में बात करो तो लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए आप पर मंथ अर्निंग कर सकते हो जर्मनी में रहकर। दोस्तों अगर आप जर्मनी में काम करते हो यहाँ पर दोस्तों सेटल होने को भी बहुत ही ज्यादा चांसेस है। यहाँ पर आपको पीआर भी मिल जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, और दोस्तों आपको पता है यहाँ पर 80 ऐसे साइंटिस्ट रह चुके हैं जिनको यहाँ पर दोस्तों नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर इंजीनियरिंग के मामले में फेमस है, पूरी दुनिया जानती है इंजीनियरिंग लाजवाब है जर्मनी की, इसलिए ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें तो दोस्तों एग्रीकल्चर फील्ड भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा यहाँ पर इकोनॉमी है। दोस्तों फार्म के अंदर बहुत ही सारे काम होते हैं, फ्रूट पैकेजिंग के लिए यहाँ पर लड़कों की जरूरत होती है, पिकर पैकर के लिए लड़कों की जरूरत होती है, और दोस्तों साथ में यहाँ पर क्लीनर स्टाफ के लिए बहुत सारे वैकेंसी है, और दोस्तों यहाँ पर ड्राइवर की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो एज ए ड्राइवर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कैसा आपको अप्लाई करना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, और कुछ लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो है फार्म वर्कर के तौर पर आप जा सकते हो, एग्रीकल्चर में ज्यादा भारी काम नहीं होता है, एजुकेशन कम है, तो भी यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फ्रूट है जिनकी यहाँ पर खेती की जाती है, लाइक यहाँ पर आपको बड़े बड़े फार्म देखने को मिल जाएंगे, एप्पल के, चेरी, ब्लैकबेरी और पियर्स, और दोस्तों यहाँ पर आपको ग्रेप्स वगैरह के काफी सारे फार्म देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट है, ऑरेंज है और तरह तरह के यहाँ पर फ्रूट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस जो जर्मनी का कैपिटल है वो है बर्लिन, बर्लिन के अंदर दोस्तों बहुत सारे वैकेंसी है। तो चलिए गाइस मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ, यहाँ पर आपको दिखाना होगा कैसे आप इन जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। गाइस किसी भी एजेंट के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, कोई भी आपको इंग्लिश टेस्ट यहाँ पर नहीं देना है, विदाउट एजेंट आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपका खर्चा बहुत ही कम आएगा, लाइक दोस्तों आप 50,000 के अंडर में जर्मनी जा सकते हो। जहाँ दोस्तों सारा प्रोसेस आपको खुद को करना है, लेकिन दोस्तों इन सभी जॉब को अप्लाई करने के लिए मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कैसे आपको इन जॉब के लिए अप्लाई करना है, लेकिन इन सभी जॉब को अप्लाई करने के लिए आपके पास में होना चाहिए एक प्रोफेशनल सीवी और कवर लेटर। अगर आपके पास में सीवी कवर लेटर नहीं है तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसी भी काम का आपका वीडियो नहीं होने वाला। अगर आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो, जॉब पाना चाहते हो, गाइस जॉब उसी को मिलता है जो ट्राई करता है, जो सिर्फ वीडियो देख रहा है सोच रहा है उसको जॉब नहीं मिलने वाला है। एटलीस्ट आपको एक्शन लेना पड़ेगा, जब तक आप एक्शन नहीं लोगे आपको जॉब्स नहीं मिलेंगे, चाहे कितना ही वीडियो देख लो। तो फर्स्ट स्टेप आपको गाइस यही करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सीवी कवर लेटर बनवा लेना, उसके बाद ही आपको किसी भी यूरोप की कंट्री में जॉब अप्लाई करना है। तो अगर आपको मेरे थ्रू सीवी और कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, तो आप मुझे इस वाले व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, मैं आपको सीवी कवर लेटर बना के दे दूंगा, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए गाइस मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली स्क्रीन पर ले चलता हूँ, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डेयरी फार्म में यहाँ पर कौन कौन से जॉब है, कितना सैलरी है और कितना यहाँ पर एजुकेशन मैंडेटरी, एक्सपीरियंस चाहिए फिर नहीं चाहिए, और यहाँ पर फ्रेशर लड़के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फिर नहीं कर सकते, फ्रूट फार्म में कौन कौन से यहाँ पर जॉब्स अवेलेबल है।
सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार विजिट किया हो, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए। तो गाइस जर्मनी में अगर आप फार्म के अंदर काम करना चाहते हो, चाहे वो फ्रूट पैकेजिंग का जॉब हो, पिकर पैकर का हो, स्टोर कीपर का हो या फिर क्लीनर का हो, दोस्तों सिंपली वैसे तो मैंने और भी काफ़ी सारी वेबसाइट के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक बार से ज़रूर इंडीड पर चेकआउट कर लेना। यहाँ पर बहुत ही इस टाइम पर काफ़ी सारे जॉब आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देख लीजिए डेयरी फार्म से रिलेटेड यहाँ पर न्यू जॉब है जो कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर लिस्टेड किया गया, और नीचे भी एक जॉब है यहाँ पर फार्म वर्कर का, यहाँ पर जॉब है फार्म वर्कर का, सैलरी वगैरह सब कुछ यहाँ पर मेंशन की गई है और आज ही इस जॉब को यहाँ पर पोस्टेड किया गया। शिफ्ट आपका जो रहेगा 8 घंटे का ड्यूटी है और पार्ट टाइम फुल टाइम दोनों ही तरह का यहाँ पर जॉब है, और डॉलर आप यहाँ पर देख लीजिए $15 पर आवर्स के हिसाब से आप यहाँ पर कमा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर फार्म वर्कर का जॉब अवेलेबल है, यहाँ पर देख लीजिए अर्जेंटली यहाँ पर हायरिंग चल रहा है और यहाँ पर दोस्तों बहुत ही जल्दी चांसेस आपको जॉब मिलने के, बस आपके पास में होना चाहिए एक प्रोफेशनल CV और कवर लेटर। अगर आपके पास में CV कवर लेटर नहीं है तो यहाँ पर जॉब आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको यही करना है, प्रोफेशनल CV और कवर लेटर आपको बनवा लेना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, तो यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा। और भी नीचे आएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो इस टाइम पर आप देख लीजिए यहाँ पर अर्जेंटली हायरिंग चल रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ इस चांस को मिस मत कीजिए, यहाँ पर आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा। तो गाइस जॉब अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, डिटेल में सारी चीज़ें इन लोगों ने यहाँ पर मैंशन की है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए हाई स्कूल अगर आपका एजुकेशन है तो भी यहाँ पर चल जाएगा। नीचे यहाँ पर पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड किया है, तो इसको आप आराम से रीड कर लेना क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। 8 आवर्स का यहाँ पर शिफ्ट है और हॉलीडे है, मंडे टू फ्राइडे यहाँ पर काम करना है, यानी कि सैटरडे संडे आपका वीक ऑफ रहेगा, 2 दिन का आपको छुट्टी मिलेगा। और यहाँ पर देख लीजिए एजुकेशन कितना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन की है। तो जॉब अप्लाई करने के लिए सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना अप्लाई नाउ पे, और CV का लेटर मस्ट है, इसके बिना आपको यहाँ पर जॉब अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो कंटिन्यू विद गूगल कर देना और आपका एक ईमेल आईडी यहाँ पर पिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों कुछ इस तरह का यहाँ पर जॉब प्रोफाइल ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और आपका ईमेल आईडी ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको मेंशन करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये ऑप्शनल, यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने इंडिया कंट्री का यहाँ पर आपको चूज़ करना और ईमेल आईडी यहाँ पर मेंशन कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना और यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, यानी इसी तरह से यहाँ पर 6 पेज ओपन होंगे। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपका जॉब अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपको मेरे थ्रू जॉब अप्लाई कराना है और या CV को लेटर बनवाना है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर शो हो रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज है किसी भी कंट्री के वर्क वीज़ा से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा जर्मनी के अंदर, इस टाइम पर बहुत सारे जॉब है फार्मिंग से रिलेटेड। दोस्तों ये जॉब उन लोगों के लिए बहुत ही सही है जो कि मतलब जर्मनी तो जाना चाहते लेकिन उनका एजुकेशन कम था। दोस्तों अब यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, अगर आप जाना चाहते हो जर्मनी में तो फार्म वर्कर के वीज़ा पर आप यहाँ पर काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो जर्मनी के अंदर। एजुकेशन आपका कम है, 7-8 क्लास है, तो भी आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, नो इशू। यहाँ पर कोई भी आपको आईलेट्स का एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश अगर आपका वीक है तो भी यहाँ पर चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।